कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो राष्ट्रवादी में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में, लगातार हर रोज कोई ना कोई जुड़ रहा है। ये साबित करता है कि कांग्रेस की ताकत मुंबई में बढ़ते जा रहे दिन ब दिन। हमने आज कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया, पूरे देश भर में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गांव-गांव, शहर शहर जाके कांग्रेस को किस तरह से है ना, आज ये भाजपा जैसी जातिवाद पार्टी के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। आप स्वयं देख रहे हैं पूरी बंबई में जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो राष्ट्रवादी में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में, लगातार हर रोज कोई ना कोई जुड़ रहा है। ये साबित करता है कि कांग्रेस की ताकत मुंबई में बढ़ते जा रहे दिन ब दिन, और ये एक अच्छे संकेत है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, खास करके ये पूरे कोरोना कार्यकाल में इस मुंबई में सबसे ज़्यादा अगर हर जगह जाके, झोपड़पट्टी हो, पूरा चौल हो, कहीं भी बिल्डिंग्स हो, लोगों के सुख दुख में सबसे ज़्यादा अगर किसने काम किया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। आप लोगों ने भी बताया, आप लोगों ने भी दिखाया, तो आज लोगों को ये महसूस हो रहा है कि उन लोगों ने बहुत सारे बदलाव करके देखे, कभी भाजपा के साथ गए, कहीं अन्य पार्टी के साथ गए, लेकिन उनके परिवार के, जब परिवार के ऊपर संकट आता है, उनका उनके घर में जब पूरी ये संकट आता है, तो सबसे पहले दौड़ के आती है कांग्रेस। तो ये बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेस की ताकत दिन ब दिन पूरे मुंबई में बढ़ रही है, खास करके साउथ सेंट्रल में। ये जो हमारा ज़िला, जो स्वर्गीय हमारे एकनाथ गायकवाड़ जी का ज़िला है, लगातार वो हमारे ये भी रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, महाराष्ट्र में आमदार भी रहे, आज उनकी बेटी आज आमदार है और शिक्षा मंत्री है, तो ये उनका ज़िला आता है, चंद्रकांत हंडूरो जी का ये ज़िला आता है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और मुझे यकीन है जो मुंबई महानगर पालिका की जो चुनाव है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद जो है, ये साउथ सेंट्रल ये ज़िले से हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है, और ये दर्शाता है, ये सारे कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं, ताकतवर कार्यकर्ता है। शब्बीर की बात अगर मैं करूं, आप सारे जानते हैं, मैं कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में एक ताकत है, चिता कैंप हो, अनुशक्ति नगर में, आज ये सारे लोग जब जुड़ते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। सब कार्यकर्ता जुड़े थे, क्या करना चाहेंगे? वर्षा भाई गायकवाड़ एक तरफ थी, एक तरफ मुंबई अध्यक्ष चरणजीत चपरा थे, क्या करना चाहेंगे, कितनी खुशी आपको? देखिए, आज हमारी शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में भाई जगताप जी के आशीर्वाद से हमने आज कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। ऐसा तो 2012 तक मैं कांग्रेस पार्टी में ही था, ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे था, और उसके बाद में किसी वजह से पार्टी छोड़ा, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि उसके बाद में ये 10 साल हो गए, 10 साल में किसी भी पार्टी में हमने उसके बाद में कभी प्रवेश नहीं किया, लेकिन 10 साल हमने सिर्फ सोशल काम के ऊपर ध्यान दिया। हमने हमारा हॉस्पिटल आज चिता कैंप में, हमने हमारे लोकल MP के मदद से हमने वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी तामीर किया था, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। चैरिटेबल हॉस्पिटल के माध्यम से हम वहाँ पे लोगों की सेवा करने में जुटे रहे, और मतलब ये आज तक यही मतलब जो मेन हमारा प्रोग्राम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना, वो करते रहे। आपने कांग्रेस में प्रवेश किया तो आज आगे क्या काम करें, आगे के पहल क्या है? नहीं, अभी तो कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद में सिर्फ प्रवेश मतलब सोचे कि आज जिस तरह से पूरे देश भर में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गांव-गांव, शहर शहर जाके कांग्रेस को किस तरह से है ना, आज ये भाजपा जैसी जातिवाद पार्टी के साथ में संघर्ष कर रहे, तो ऐसा, और यहाँ पे भी मुंबई में भाई जगताप जी हो, वर्षाताई जी हो, कितनी मेहनत करके है ना पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे, तो ऐसा लगने को लगा कि
थोड़ा बहुत हम भी अपने हाथ बटा देवे कि क्या कहेंगे आपके साथ आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, कई लोग बीजेपी से आज आपके साथ यहाँ पे कांग्रेस में शामिल हुए। नहीं, ये तो मतलब ये तो एक छोटी सी झांकी थी। अभी तो आने वाले टाइम में चीता कैंप में हम लोग बहुत बड़ा एक रैली, बहुत बड़ा एक जनसभा रखने वाले हैं, वहाँ पे हमने सबको बुलाया है। मेरा तो रिक्वेस्ट था कि जो आज मैं यहाँ पे एंट्री किया, प्रवेश किया, मुझे मेरी इच्छा थी कि मैं मेरे इलाके में ही करूँ, मगर हमारे नेताजी का बोलना था कि पहले तुम यहाँ पे कर लो, फिर उसके बाद में वहाँ पे हम लोग आएंगे। अनुशक्ति नगर की बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर है, तो क्या कहेंगे किस तरह वहाँ पे भूमिका निभाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आने वाले दिनों? नहीं, ऐसा है ना कि शिवाजी नगर, अनुशक्ति नगर ये सब है ना कांग्रेस का गढ़ था, मगर आपसी कलह के वजह से वहाँ पे फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट में राष्ट्रवादी पार्टी का वहाँ पे MLA आया दूसरी जगह पे, ये सब आपसी इसके वजह से आया। लेकिन बाद में ना अफसोस की बात है कि ये देखा गया कि राष्ट्रवादी का MLA आने के बाद में है ना, वो सबसे पहला काम क्या करने को लगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने को लगे। तो हमारी अब फिर से एक ही एम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कांग्रेस पार्टी में जोड़ें और अपनी ताकत को वहाँ पर मजबूत करें, और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे 6 MLA की 6 नगर सेवक की सीट है, उसमें से ज़्यादा नगर सेवक की सीट आए। अभी नगर सेवक की बात करें, आगामी चुनाव में क्या आपको टिकट मिलेगा? नहीं, ये टिकट को सोच के हम पार्टी में नहीं आए हैं, वो अगर मेरे काम से पार्टी सहमत होती है या ये होता है, पार्टी अगर डिसाइड करेगी, पार्टी जो भी जिम्मेदारी इसके आगे हमको देगी हम उसको निभाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये जीतने के बारे में नहीं, वो तो वहाँ की जनता तय करेगी। अगर मेरा काम होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल चला रहे, काम होगा तो जीत के आएंगे। पिछले 10 साल में हमने देखा कि आपने जो कार्य किए हैं, तो आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत सकते थे, तो क्या वजह थी कि आपने एंड मोमेंट पे कांग्रेस ज्वाइन किया? नहीं, एंड मोमेंट में नहीं, मैं बहुत दिन से मेरी बातचीत चालू थी कांग्रेस में प्रवेश करने के बारे में, और इलेक्शन सेकेंडरी पार्ट है। आज हमारा मेन मकसद कहता है कि हमारी ताकत को एकजुट करने का, समझे कि नहीं, एकजुट करके अपनी ताकत को सामने लाने का, क्योंकि आज हमारी लड़ाई है ना बहुत एक, ये तो है ना बूंद बूंद से जो सागर भरने, मतलब मटका भरने वाली बात है कि आज हम, मैं तो अभी चीता कैंप के एक शुरुआत की है लड़ाई, तो बहुत दूर तक दिल्ली तक की लड़ाई है। किसी तरह से ये जातिवाद जो शक्ति हिंदुस्तान में जो सर उठा रही है, आज क्या हाल है पूरे देश का सब लोग जानते हैं, उसके लिए हम छोटा सा एक हाथ लगाना चाहते थे। इलेक्शन वगैरह कोई मकसद नहीं है, इलेक्शन जीतना हारना है ऊपर वाले के हाथ में है। सामान्य जनता के लिए कैसा काम रहेगा, जैसे महंगाई है नहीं वगैरह कोई मकसद नहीं है, इलेक्शन जीतना हारना है ऊपर वाले के हाथ में है। शबीर भाई सामान्य जनता के लिए आपकी किस मूवमेंट कैसे रही है, कैसा काम रहेगा, जैसे महंगाई है सब नहीं कांग्रेस की तरफ से नहीं। आपकी मालूमात के लिए मैं बोलूं कि मैं जिस दिन 2012 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में हम है ना हमारे इलाके में लगे रहे, ऐसे नहीं कि घर में रहे, हम हमारे इलाके में लगे रहे। आज हम अपनी कोशिश करते हैं ना कि छोटा, मतलब आज हमने चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया जिधर 200-250 लोग रोज का उसका इलाज करते, 10 रुपये में इलाज देते, 10 रुपये में दवा के साथ में हम लोग इलाज देते, ऐसा बहुत सारी स्कीम्स है, आप आके देखो वहाँ पे आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज प्रवेश करने के बाद में कल से काम करना, हम लोग काम करते आए हैं और इसके आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। सर, इस इलेक्शन में आपको कांग्रेस से अगर टिकट मिलती है तो आप अपने वार्ड के लिए और चीता कैंप के लिए क्या क्या काम करोगे? चीता कैंप में बहुत सारे काम है, अभी इलेक्शन के बारे में अपन इसके बारे में सोचे नहीं है, अभी आने वाले टाइम में हम लोग सोचेंगे। अभी कोई मतलब प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको है ना मतलब स्पेशली आपको बुला के मैं है ना इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा कि मेरे को क्या करना है।